हेलो गाइज, आज आपके साथ मेरी मम्मी कुछ बातें शेयर करेंगे अपने टाइम की, बहुत पहले की। और इन्होंने कुछ बात शेयर करनी है आपके साथ, तो मम्मी बताओ कुछ अपने बारे में। अपने बारे में क्या बताना, अपने बारे में तो हम बड़ा दुख काटा हुआ हमने। अच्छा, लकड़ियाँ 3 किलोमीटर से ले आनी हमने। आजकल की लड़कियों को तो अंदर ही है सब कुछ, कोई लकड़ियाँ नहीं ले आनी, कोई बस सिलेंडर पे ही सारा काम। जब मैं सिलेंडर ले आने गई थी ना तो बहुत खुश हुई थी, मैं बहुत खुशी आई थी भी, अब मैंने लकड़ी को जाना ही नहीं। फिलहाल जाने तो पड़ा ही ना, फिर भी पर थोड़ा आराम मिल गया। जैसे मिनट में कोई मेहमान आते थे एकदम से चाय चाय बना के दे दिया। पहले तो ऐसा होता था भी, बच्चे भी मेरे छोटे छोटे होते थे और मैं भी अपने कुछ नहीं, इतना नहीं आता था जिम्मेदारा मेरे को। जब मेरी शादी हुई ना, शुरू शुरू में, शुरू की बात बताती हूँ मैं। कितने साल के थे आप जब शादी हुई? जब मेरी शादी हुई तो मैं 13-14 साल की थी। अच्छा, 13-14 साल का बच्चा क्या होता है, मतलब जब मैं 15 साल की हुई तो मेरे बड़े वाला बेटा हो गया था। अच्छा, जब बड़े वाला बेटा 1.5 साल का हुआ तब छोटे वाला बेटा हो गया, फिर छोटे वाला बेटे के बाद एक और हुआ था मेरे से बड़ा। हाँ, अपनी इसकी बेटी की बड़ा। अच्छा, तो हम बार बार इतनी बारिश लगी हुई थी और मेरे ना मर गया था वो बच्चा पेट में। अच्छा, तो उसको दुबाने भी मैं, कितने कितने महीने का वो था? 8 महीने का था। 8वें महीना लगा था आपको जब है? हाँ। अच्छा, अकेली गई मैं, बाल्टी लेगी, छतरी लेगी, ऊपर से बारिश लगी, फिर उस बच्चे को भी लेगी, ऐसे बोरी पे चख के कपड़े में लपेट के, और फिर उसको अपने आप ही दबाया मैंने। कोई नहीं था ना मेरे पास, मैं अकेली थी। और पापा जी वो दूर दूर जाते थे ड्यूटी। क्वार्टर में थे आप? क्वार्टर में थे हम, वहाँ वासनी में। वासनी में? अच्छा, वहाँ का नाम वासनी है। अच्छा, फिर उसके बाद ना मेरे बाजू में दर्द होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है मेरे, वो बारिश लगी ना। और फिर आके जब उसको बच्चे को दबा के आई, फिर छतरी ऐसे तानी थी मैंने, फिर वो नीचे रखी, फिर हाथ धोए, फिर बाल्टी धोई, ऊपर से बारिश लगी हुई थी, और फिर इधर सारे सोज से हो गई मेरे घर में, कमरे में आके। दो बच्चे थे मेरे पास, फिर एक दोनों बेटे थे, फिर बेटे दौड़ते थे मेरे पीछे पीछे, फिर एक को छोड़वा गई मैं, एक को रस्सी के साथ बांध दिया मैंने, वो पीछे दौड़ता था छोटे वाला, पीछे दौड़ना इसने, फिर मैंने इसको रस्सी से बांधा मैंने इसको। तो वो कैसे खुदाई की अपने आप ही? क्या खिलना लेगी थी मैं, जिससे मट्टी खुदवाई करते हैं, खिलना लेगी थी, फिर अपने आप ही दबाया मैंने वो, जैसे कैसा भी थोड़ा बहुत चूह वाली मिट्टी थी वहां पे, फिर उसको वहां से खूब खुना मैंने नीचे, फिर पाई उस बच्चे के ऊपर वो मिट्टी मैंने, वो कपड़ा उस निकाला बोरी में से निकाली है वो बच्चा, तब रखा उसमें। मेरे को पता था जैसा कैसा मेरे से हुआ, ऐसे मैंने अकेले भी कर दिया। तो फोन नहीं होते उस टाइम? फोन कहाँ होते थे, फोन तो बिल्कुल नहीं होते थे। तो फिर मेरे पास वो वहाँ जहाँ कमरा था वहाँ लाइट भी नहीं थी, फिर तसला रखा मैंने, और तसले में मैंने वो कागज थे उसके मीटर के, मीटर के कागज जलाने उसमें, फिर ऐसे दूध गर्म कर करके फिर पढ़ाती थी ना बच्चों को। अच्छा, ऐसी ऐसी मजबूरियाँ काटी मैंने, अब थोड़ी काटती है, अब तो लड़कियाँ से बोलती डाइवोर्स दो मेरे को, तलाक दो मेरे को, मैं तो जानती नहीं थी डाइवोर्स क्या होता, मैं तो अपने लड़की से ही सीखी मैं, और मेरे को कोई पता नहीं था ऐसे भी डाइवोर्स क्या होता, तलाक क्या होता। तब जो दादा दादी थे उनको उनको लगा पता हमारे बहू के साथ ऐसा हुआ, वहाँ घर जाऊँ, कोई पता तो सतन था पता सता का होना उनको, इनको फोन मेरे सास और भी बहुत अच्छे थे, पर मैं साथ में रहती थी ना। अच्छा, नौकरी में पापा नौकरी, साथ है ना? हाँ, साथ में रहती थी, तो उनको क्या पता था। अच्छा, भी घर में क्या भी मेरे बहू के साथ क्या हो रहा, अब किसने बताना। अच्छा, तब ऐसी है दुनियादारी। नानी को, नानी को किसी को पता नहीं था, फिर ऐसे वो एक बस जाती थी वासनी, फिर उनके पास बताया मैंने सोलन को, वहाँ सोलन रहती थी मेरी मम्मी ना, उनको बताया, फिर मेरी वहाँ नारग में रहती है, दाडू देरी में रहती है एक मेरी बड़ी बहन, उसको बताया, फिर उसको बताया होना किसी ने, मेरी मम्मी को बताया उसने ड्रेबल ने, उसको आपकी लड़की के बच्चा हो रहा उधर वासनी में।
अच्छा फिर वो वहाँ आई मेरी मम्मी क्या बोलते हैं ना दाडू देरी में, फिर वहाँ से वो दोनों जनिया गई, मेरी मम्मी भी गई और नारक वाली दाडू देरी वाली मेरी बहन भी गई मेरे को संभालने, फिर दो तीन दिन रही वहाँ पे दोनों जनिया। अच्छा फिर हम और पापा जी वो तो दो तीन दिन से आते थे घर में, दूर दूर जाते थे ये बिजली के खंभे लगाने है ना। हाँ अच्छा उनको लाइट ही नहीं होती थी ना, लाइट का काम बहुत ज्यादा होता था उनको, फिर दूर दूर जाते थे वो। अच्छा